नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है उपाय आपके लिए में। और आज का उपाय है आरोग्य को लेकर। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधी कोई परेशानी अपने जीवन में आ रही है तो कुछ उपाय को आजमा कर आप उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आरोग्य प्राप्ति के लिए कौन से उपाय आजमा सकते हैं जिनसे स्वास्थ्य को लेकर आ रही परेशानी समाप्त हो। एक उपाय यह है जो आजमाया हुआ है, महामृत्युंजय का जाप। यदि रोगी स्वयं महामृत्युंजय का जाप करता है तो स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ होने की आशा अधिक रहती है। और यदि वो न कर पाए तो कोई उससे संकल्प लेकर कोई दूसरा भी कर सकता है जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। दूसरा उपाय यह है, एक कांच की शीशी लें, उसमें पानी भरें और एक मंत्र महामृत्युंजय का जाप करें और उस पर फूकें और उस शीशी को यूं पैक करके ऐसा यूं करें और फिर वापस यूं करें। इस प्रकार 108 बार करने से उसमें प्रभाव आ जाएगा, मंत्रों का प्रभाव आ जाएगा और वो मंत्र अभिमंत्रित किया हुआ जल रोगी को पिलाएं, उससे काफ़ी लाभ होता है, सुधार होता है। तीसरा उपाय यह है कि बजरंगबली के सीधे पैर की सिंदूर लाकर उन्हें लगाएं ताकि स्वास्थ्य में लाभ मिले। या कोई अदर जात का हो, जैसे मुस्लिम समाज का हो, तो वो अपने इष्ट देव को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करवा सकता है। चौथा उपाय ये है कि 3 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष गले में बांधने से भी स्वास्थ्य लाभ में बहुत कुछ फायदा होता है। पांचवा उपाय ये है कि यदि आप अस्वस्थ व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो ध्यान रखें, नेगेटिव बात न करें, हमेशा यही करें कि वो व्यक्ति जल्द शीघ्र लाभ, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे। और ये बात जरूरी है, आत्मविश्वास और धैर्य, यदि आत्मविश्वास आप में है, धैर्य है, तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से पंडित जी ने जो उपाय बताए कृपया उन्हें आजमाइए और अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात पाइए। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।